तो टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सबसे पहले बीएड वर्सेस बीएसटीसी मामले की एनसीटीई के पत्र की और उसके बाद हम लोग बात करेंगे उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक भर्ती की। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और वीडियो को पूरा देखने की कोशिश करें। चलिए शुरू करते हैं। कल मैंने एक वीडियो बनाया था और आप लोगों को जानकारी दी थी कि एनसीटीई ने पत्र भेजा है, जवाब दिया है बीएड की स्थिति को लेकर के, क्योंकि विद्यार्थियों एनसीटीई को प्रधानमंत्री को शिक्षा मंत्री को एक पत्र भेजा था और उसमें दो मांगे की थी। एक तो ये मांग थी कि टीईटी करने की योग्यता क्या है और दूसरी बात यह है कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती की योग्यता क्या है। जैसे यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं एनसीटी नई दिल्ली को ये पत्र लिखा गया था। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 11 अगस्त 2023 के उपरांत पीआरटी 1 से 5 योग्यता के ऑफिशियल दिशा निर्देश जारी करने हेतु, तो ऑफिशियल दिशा निर्देश उन्होंने अपनी वेबसाइट पर तो नहीं दिया है लेकिन एक पत्र विद्यार्थियों को बाय पोस्ट भेजा है। उस पत्र को मैंने आप लोगों को कल दिखाया भी। ये पत्र है, ये बाय पोस्ट जिसे देख सकते हैं आप लोग, ये भेजा गया था विद्यार्थियों को और कई विद्यार्थियों को भेजा जा रहा है। उसी क्रम में ये पत्र है, अगर आप अंदर देखेंगे पब्लिक ग्रीवांस श्री दीपक वर्मा को ये पत्र भेजा गया है और इसमें इन्होंने प्राथमिक शिक्षक भर्ती और टीईटी की गाइडलाइन के बारे में जानकारी दी है विद रिफरेंस टू योर अबव मेंशनड ग्रीवांस पीजी नंबर लिखा है जो इन्होंने भेजा था 18 अगस्त 2023 को। इट इज टू इन्फॉर्म यू दैट यू मे रिफर एनसीटीई रेगुलेशन डेटेड 23 अगस्त 2010 यानी 23 अगस्त 2010, 29 जुलाई 2011, 12 नवंबर 2014 और 13 अक्टूबर 2019, 13 नवंबर 2019 और 13 अक्टूबर 2021 टू रिगार्डिंग मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर ए पर्सन टू बी एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट एज ए टीचर। तो टीचर का अपॉइंटमेंट किस तरीके का होगा उसके बारे में रेगुलेशन दिया गया है, उसके बारे में एनसीटीई का जो रेगुलेशन है उसकी तारीखें यहाँ पर दी गई हैं और साथ में टीटी के बारे में भी बताया गया कि टीटी की जो मिनिमम योग्यता क्या प्राथमिक की और उच्च प्राथमिक की, उसके बारे में आप लोग ये जो पत्र जारी हुए हैं 13, 14 और 21 को देख सकते हैं। उसके बाद में बहुत सारा विवाद हो गया, हालांकि समाचार पत्रों ने पुष्टि की है आज की कि एनसीटी का क्या मतलब है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन जो विवाद है वो है 13 अक्टूबर 2021। चूंकि 13 अक्टूबर 2021 का जो रेगुलेशन है जिसमें ये बताया गया है कि बीएड के विद्यार्थी भी प्राथमिक शिक्षक भर्ती के योग्य हैं, तो कौन सा बीएड है आप लोग सीधे एनसीटी की वेबसाइट पर खुद जाकर के देख सकते हैं। ये एनसीटी की वेबसाइट मैंने खोली है, यहाँ पर देखेंगे आप शिक्षकों की न्यूनतम योग्यता, तो यहाँ पर जिन तारीखों की बात की गई थी वही तारीखें लिखी गई हैं जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ये देखिए 23 अगस्त 2010, 29 जुलाई 2011, 12 नवंबर 2014 संशोधित राजपत्र अधिसूचना 28 जून 2018 और संशोधित अधिसूचना दिनांक 13 नवंबर 2019। हालांकि उन्होंने शिक्षक भर्ती के नियम के बारे में इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी है क्योंकि इसको सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रद्द कर दिया गया है, लेकिन ये वेबसाइट पर आज भी पड़ा हुआ है क्योंकि चर्चा है ना कि वेबसाइट से हटा लिया गया, तो वेबसाइट से हटाया नहीं गया है, अगर हम लोग अगर इसको क्लिक करेंगे तो ये आपको आज भी देखने को मिल जाएगा, लेकिन इसका क्लेरिफिकेशन कर दिया है एनसीटी ने कि ये देखिए ये लिखा भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अधिसूचना के निर्णय के संबंध में हाई कोर्ट का जो सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर 11 अगस्त का वो जारी कर दिया गया। इसका जिक्र जो पत्र भेजा गया है एनसीटीई के द्वारा 28 जून 2018 उसको हटा दिया गया है शिक्षकों की जो न्यूनतम योग्यता है प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए। तो ये गजट है ये 13 अक्टूबर 2021 जिसमें बीएड छात्रों को पात्र कहा गया है। ये देखिए ये नीचे यहाँ पर एक सेकेंड नीचे निकाल यहाँ पर ये देखिए ये डेट पड़ी है 13 अक्टूबर 2021 और यहाँ पर नीचे ये लिखा हुआ है न्यूनतम 55% अंकों अथवा उसके समकक्ष ग्रेड के साथ स्नातकोत्तर 3 वर्षीय एकीकृत बीएड और एमएड। तो इसी को लेकर के ये कहा जा रहा है क्योंकि सुबह से वायरल हो रही पोस्ट की 21 का गजट में बीएड शामिल है और इसमें प्राथमिक शिक्षक भर्ती और ये देखिए लिखा पूर्व प्राथमिक प्राथमिक उच्च प्राथमिक माध्यमिक सभी के लिए ये योग्य है। तो इसमें 2 वर्षीय बीएड के लिए नहीं कहा गया है, ये 3 वर्षीय बीएड जिसमें बीएड प्लस एमएड योग्य है उसकी बात की गई है। और जब बीएड को शामिल कर लिया गया क्योंकि भर्ती का विज्ञापन जब निकलता है तो उसमें लिखा रहता है कि 1 वर्षीय बीएड या 2 वर्षीय बीएड, 3 वर्षीय बीएड का कहीं पर कालम नहीं हुआ करता था और जिन विद्यार्थियों ने 3 वर्षीय बीएड किया हुआ था एमएड वाला बीएड प्लस एमएड ये विद्यार्थी गए थे एनसीटी और एनसीटी में उन्होंने ज्ञापन दिया था कि हमारा बीएड और एमएड हम दोनों हैं भर्ती में हमको भी सम्मिलित किया जाए, तो इन विद्यार्थियों को भी मौका दे दिया गया था और जो बीएड को अब चूंकि रखा गया था इसलिए इन विद्यार्थियों को भी रखा गया है। और इस जो ये रेगुलेशन है इस गजट को
चैलेंज नहीं किया गया था सुप्रीम कोर्ट में, इसकी चर्चा नहीं की गई थी, इसलिए एनसीटी ने इसको नहीं हटाया है और कहा कि इस आधार पर अभी भर्ती हो सकती है। क्योंकि 28 जून 2018 के गजट को चैलेंज किया गया था, सुप्रीम कोर्ट ने उसको रद्द किया है, इसलिए उसके बारे में स्पष्ट कर दिया गया कि उसके आधार पर अब भर्तियां नहीं हो। तो एनसीटी ने साफ कर दिया कुल मिलाकर कि बीएड जो है प्राथमिक में अब नहीं रहा। और इसके बारे में आज के समाचार पत्रों के माध्यम से भी ये जानकारी दी गई है कि एनसीटी का इशारा प्राइमरी में बीएड डिग्री धारकों को मौका नहीं। हालांकि ऐसा अभी लग रहा है कि एनसीटीई ने कहा जरूर है सुप्रीम कोर्ट की वजह से और ये इशारा किया है, लेकिन अब इस एनसीटी को और भी स्पष्टीकरण देने की आवश्यकता है। वहीं पर आज के समाचार पत्रों में उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती के बारे में भी जानकारी दी गई है। मंत्री के उत्तर से बेसिक शिक्षक भर्ती पर प्रश्न, लिखा हुआ है कि बेसिक शिक्षा परिषद विद्यालयों में शिक्षक भर्ती आने की प्रतीक्षा कर रहे प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को सदन में दिए गए बेसिक शिक्षा मंत्री के जवाब से झटका लग सकता है। अतारांकित प्रश्न पर मंत्री जी ने जवाब दिया कि प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक व छात्रों का अनुपात मानक के अनुसार पूर्ण है और उन्होंने जवाब में प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों के स्वीकृत कार्यरत और रिक्त पदों की जानकारी दी है। ये आज ही के समाचार पत्र है। और बहुत सारे विद्यार्थी पूछ रहे थे कि सर उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षक भर्ती के क्या चांस हैं। तो फिलहाल जिस तरीके से लगातार बयान आ रहे हैं उस तरीके से मुझे बिल्कुल नहीं लगता है कि इस साल प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन उत्तर प्रदेश में जारी होगा। जब किसी भर्ती के बारे में कोई विज्ञापन जारी होता है तो कम से कम 6 महीने पहले से ही चर्चाएं शुरू हो जाती हैं अधिकारियों के द्वारा, समाचार पत्रों के द्वारा और मंत्रियों विधायकों इत्यादि के द्वारा। हम लोगों को पता है कि चूंकि उत्तर प्रदेश में जब आरओ की वैकेंसी आनी थी तो पहले से ही चर्चाएं शुरू हो गई थी, हम लोगों ने भी आपको जानकारी दी थी। और इसी तरीके से जैसे जानकारी मिली है पुलिस भर्ती का विज्ञापन जारी होना है निश्चित तौर पर, और उसके 6 महीने पहले साल भर पहले ही जानकारी मिल गई थी। तो पुलिस कांस्टेबल के बारे में भी लगातार जानकारी दी जा रही है। पुलिस के जो उच्च अधिकारी हैं वो खुद मीडिया में आकर के बयान दिए जा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में पुलिस विभाग में लगभग 63,000 भर्तियां आनी है, विभिन्न पदों पर आनी है, जिसमें से लगभग 53,000 पद तो केवल पुलिस कांस्टेबल के हैं। और रही बात शिक्षक भर्ती की, तो उसके बारे में कोई भी चर्चाएं नहीं की जा रही है और साफ तौर पर मना कर दिया जा रहा है। और यहाँ पर समाचार पत्रों के माध्यम से देखिए नीचे जानकारी दी गई है कि इस पर युवा मंच के अध्यक्ष अनिल सिंह ने खत्म किए गए शिक्षकों के पदों को बहाल करने की मांग भी की है। साथ ही ये भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट के पारित आदेश के बाद शिक्षा मित्र और अनुदेशक बतौर सहायक अध्यापक नहीं माना जा सकता है, इस कारण रिक्त पदों पर शिक्षक भर्ती की मांग की है। चूंकि जो शिक्षा मंत्री है उन्होंने ये बात तो स्वीकार किया कि प्रदेश में जो है पद रिक्त, ये देखिए ये यहाँ पर इन्होंने कहा कि प्रधानाध्यापक और सहायक अध्यापक के 85,152 पद रिक्त हैं और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 41,388 पद रिक्त हैं, ये देखिए नीचे लिखा है यहाँ पर। लेकिन इन्होंने कहा कि हमारे पास पर्याप्त शिक्षा मित्र हैं जिसकी वजह से हमारे पास अध्यापकों की कमी नहीं, हमारा अनुपात पूरा। इन्हीं सब बातों को लेकर के प्रयागराज में पत्थर गिरजाघर में धरना प्रदर्शन है 5 सितंबर को, और जिसमें शिक्षक भर्ती की मांग भी रखी जाएगी। ये हो गया आज का वीडियो। वीडियो आपको अच्छा लगा हो आपके काम का तो लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।